दोस्तों, सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। ओम श्री गणेश। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तुला राशि वालों, सितंबर 2021 में किसके साथ आपकी जोड़ी अच्छी रहेगी और अगर लव रिलेशनशिप में हैं, अपनी पसंद से आप शादी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करें, कौन सी महिला से, किस राशि की महिला से, किस नाम की महिला से इस महीने में आपका संगम होगा, उसका नाम क्या है, सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो नीचे लाल बटन है, इसको दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि हम यहां तुला राशि की ज्ञानवर्धक वीडियो प्रतिदिन लाते रहते हैं। तो नीचे लाल बटन दबाकर फटाफट हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें, क्योंकि आप लोग जानते हैं तुला राशि वालों, आप सभी का सारा जीवन शनिदेव की कृपा पर चलता है। तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें, कंजूसी बिल्कुल ना करें। दोस्तों, हम यहां पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सितंबर माह में आपकी जोड़ी किसके साथ अच्छी रहेगी और कैसे आप अपना जीवन उनके साथ व्यतीत करें, अपने प्रेम संबंधों को विवाहित संबंधों में किस तरह से परिवर्तित करें, कौन सी महिला से, किस नाम की महिला से इस महीने में आपका संगम होगा, यानी कि आपके प्रेम रिश्ते, प्रेम जीवन में ये महिला आपके दस्तक देगी। सबसे पहले आपको बता देते हैं हमारा ये राशिफल, देखिए चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि जो भी हम आपको बताएंगे 100% ज्योतिष पर आधारित होगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं कि आप उसी से विवाह करें, उसी से विवाह करना आप चाहते हैं कि आपने लव मैरिज की है वो सफल रहे, तो जानेंगे कि आखिर कौन से ग्रहों की भूमिका आपकी कुंडली में प्रेम जीवन को सफल बनाती है, ये भी जानेंगे। अगर परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है तो कैसे ठीक करें, किस तरह से आप प्रेम विवाह करें, देखिए हम आपको ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि आपका विवाह कब होगा, विवाह के लिए आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं तो कब मिलें, साथ ही आपको ससुराल वाला पक्ष कैसा होता है, इन सभी बातों के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, ये जानकारी आपसे छूट ना जाए, बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हमारा ये राशिफल जैसा कि मैंने आपको बताया है चंद्र राशि पर आधारित है और तुला राशि शुक्र की राशि है, शनिदेव की सबसे प्रिय राशि है, शुक्र आपके स्वामी हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इतना सब होने के बावजूद आप एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, तुला राशि वालों के लिए पति पत्नी का रिश्ता या प्रेम का रिश्ता सबसे ज़्यादा नज़दीकी होता है, आप इसको संभाल कर रखिए, बना कर रखिए, दुनिया की बुरी नज़रों से बचा कर रखिए और अपने प्रेम के प्रति ईमानदार रहिए, तभी आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए किसी भी रिश्ते में सबसे पहले बात आती है ईमानदारी की, जो पूरे दिल से निभाते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे आपके विवाह की। देखिए तुला राशि के जातकों का विवाह आमतौर पर उम्र के 20 साल, 28 साल और 31वें वर्ष में होने की पूरी प्रबल संभावनाएं होती हैं, पूरे प्रबल योग बनते हैं इस उम्र में। जी हाँ दोस्तों, ये 3 वर्ष ऐसे होते हैं इसमें आपका विवाह आमतौर पर, अगर महीने की बात करें तो देखिए जनवरी में, दिसंबर में और सितंबर में ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सितंबर माह की। सितंबर माह में आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ शीघ्र विवाह करने के लिए आप क्या करेंगे, आप मनचाहा पार्टनर पाने के लिए मंगलवार के दिन गरीबों को मीठी चीज़ों का दान करें, मीठी चीज़ें खिलाएं, ऐसा करने से अगर विवाह में आपके विलम्ब हो रहा है तो वो शीघ्र ही दूर हो जाएगा। और अब बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप की। तो देखिए, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं या उन्हीं से विवाह करना चाहते हैं, तो तब आप ऐसे में आपका जो जीवन में प्रेम संबंध है वो मंगल की वजह से बनता है और बृहस्पति की वजह से टूटता है, यानी कि यहां पर मंगल आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपके फेवर में हैं, लेकिन गुरु बृहस्पति बेवजह विवाह को तोड़वा देते हैं या फिर कुछ ना कुछ अड़चने आपके विवाह में डाल देते हैं। अब यदि आप चाहते हैं कि आप किसी से प्रेम करते हैं और उसी के साथ विवाह करना चाहते हैं, या फिर आपने विवाह कर लिया है, आप उसी को चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये विवाह सफल हो जाए, तब ऐसे में आप क्या करें, ऐसे में आप एक तो प्रतिदिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें
और दूसरा हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें। जल में हल्दी डालकर प्रतिदिन स्नान किया करें। ये उपाय तो मैं आपको प्रतिदिन बताता हूँ। प्रतिदिन के राशिफल में मैं आपको बताता हूँ कि प्रातःकाल स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके लिए बृहस्पति भी आपके फेवर में हो जाते हैं और आपका विवाह जल्दी हो जाएगा और आपका वैवाहिक जीवन या लव लाइफ सुखद रहेगी। इसके अलावा देखिए, अब एक और बात जान लेते हैं कि तुला राशि वालों का जो मंगल है वो ये दर्शाता है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा है, पारिवारिक जीवन कैसा है, पति पत्नी का तालमेल आने वाले समय में कैसा होगा या परिवार के साथ आपका तालमेल कैसा होगा। देखिए, इन पूरी चीज़ों को मंगल ही कंट्रोल करते हैं, इसलिए हमने कहा है कि मंगल आपका विवाह करवाता है या फिर प्रेम को बनाता है। तो साथ ही साथ यहाँ पर आपके पारिवारिक जीवन में अगर दिक्कत है, समस्या है या वैवाहिक जीवन में समस्या है, तो एक बात समझ लें कि आपका मंगल गड़बड़ है, कमज़ोर है। आप इसको मजबूत करें, तभी इतनी चीज़ें आपकी इधर उधर हो रही हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपकी जबान भी ख़राब है, यानी आप बोलते कड़वा हैं, तो तब आप अपनी जबान को भी ठीक करें। इसके लिए आपको मंगल पर फोकस करना है, उसके उपाय करने हैं। और यदि जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, तो तब ऐसे में आप मंगल के तांत्रिक मंत्र का जाप करें। और वो तांत्रिक मंत्र तो आपको पता होगा, फिर भी हम आपको बोलकर बता देते हैं, या फिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप स्क्रीन पर देखें ताकि आप कोई गलती ना करें। तो मित्रों, आप इस मंत्र का जाप करें, आपका मंगल मजबूत होगा। रोज़ सुबह नहा धोकर 27 बार कम से कम इस मंत्र का जाप जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। लव लाइफ को लेकर, प्रेम जीवन को लेकर जो भी आपकी चिंताएं हैं। अब इसके अलावा देखिए, हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए, सितंबर माह में अभी तक हमने आपके लव लाइफ के बारे में बताया है, और अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। दोस्तों, आपका वैवाहिक जीवन और जीवन साथी दोनों ही अच्छे होते हैं और आपका विवाह अमूमन चलता है, अच्छी जगह चलता है। और आपका जीवन साथी होता है वो हर मोड़ पर आपका साथ देने वाला होता है, बस ज़रूरत होती है तो आपको उसके अपने नज़रिए से समझने की ज़रूरत होती है। अगर आप उसके प्रति ईमानदार हैं तो सब कुछ बेहतर होता है आपके जीवन में, हर खुशी होती है। यहाँ आपके लिए ईमानदारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, सबसे अच्छा जीवन साथी होता है आपका मकर राशि, कुंभ राशि, मेष राशि का। जी हाँ दोस्तों, तुला राशि वालों के लिए ये सबसे अच्छे जीवन साथी इन तीन राशियों वालों को कहा जाता है। यदि आपका विवाह इनसे हो जाए तो समझ लें आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये तीन राशियाँ ऐसी हैं, इनके साथ अगर आपकी जोड़ी जम जाए तो आपकी जोड़ी सीधा स्वर्ग से बनकर आई है, ऐसा अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन आपके जो शत्रु जीवन साथी होते हैं, यानी जिनसे आपका गलती से जाने अनजाने में विवाह हो जाता है और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, तो देखिए वो होते हैं वृषभ राशि, कन्या राशि, मीन राशि के लोग। जी हाँ, ये आपकी शत्रु राशियां हैं। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है और आप करना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा इन तीन राशियों से। वृषभ राशि, मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं, वृषभ राशि, कन्या राशि, मीन राशि, ये तीन राशियां ऐसी हैं जो आपकी शत्रु राशियां हैं। इनसे अगर आपका एक बार विवाह हो जाए तो आपका जीवन में भौचाल आ जाता है, इनसे बचकर रहिएगा, क्योंकि ये आपके लिए अच्छी नहीं है। बाकी जो छह राशियां हैं आपके लिए एवरेज मध्यम हैं, उनसे कोई ख़ास समस्या आपको नहीं होगी। यदि आपका इनसे विवाह हो भी जाता है तो कोई इतनी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। कुंभ राशि और धनु राशि, ये दो राशियां तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी रहेंगी, शुभ रहेंगी विवाह के लिए, तो कोई इतनी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि हमने आपको बताया है सबसे अच्छा और सबसे बुरा जीवन साथी, बस ये आपको समझना है कि किसके साथ आप प्रेम जीवन या वैवाहिक जीवन को सही तरीके से चला सकते हैं। और यदि आप तुला राशि की कन्या हैं या फिर पुरुष हैं, आप बहुत जल्दी करके विवाह करना चाहते हैं लेकिन समस्याएँ बार बार उत्पन्न हो रही हैं, तो देखिए सितंबर माह में आप रोज़ सुबह बजरंग बाण का पाठ करें। इससे तुला राशि वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और आपका जीवन साथी हमेशा आपका साथ निभाएगा, सभी कष्ट आपके दूर होंगे। और अब बात करें तुला राशि की महिलाओं की, तो देखिए तुला राशि की महिलाओं की जो मायका पक्ष होता है, ये इनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम देता है, यानी आपके माता पिता ही आपके वैवाहिक जीवन की समस्या का कारण बनते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें। और यदि बात करें आपकी सासू माँ की, तो देखिए तुला राशि की जो महिलाएं होती हैं उनकी जो सास होती है, ये दोनों ही अपने अपने मामलों में आज़ाद होती हैं, लेकिन धन के खर्च को लेकर कभी कभी इनका तालमेल आपस में ख़राब हो जाता है। बहुत से घरों में अक्सर देखा भी गया है सास बहू में नहीं बनती। चलिए अब बता देते हैं वो कौन सी महिला राशि है।
जिससे आपका संगम सितंबर 2021 में होगा। दोस्तों आपको बता दें, सितंबर 2021 में कुंभ राशि की महिला से आपका संगम होगा, जिसका अक्षर अल्फाबेट से या फिर राल अल्फाबेट से शुरू होगा, जिसके नाम का पहला अक्षर आपको बता देते हैं आ या फिर रा से शुरू होने वाली नाम की महिला से इस महीने में आपका संगम होगा और ये रिश्ता आपका काफ़ी आगे तक जाएगा, काफ़ी परवान चढ़ेगा, विवाह तक जा सकता है। तो दोस्तों हमने जो आपको जानकारी दी है, ये जो उपाय बताए हैं, अगर आपके प्रेम जीवन में भी कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। प्रतिदिन हमारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।